सत श्री अकाल टीवी पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत, मैं हाँ दीपिका खोसला। किसानी अंदोलन नू लेके जिथे लोग जो ने उन्होंने भी काफ़ी सरकारा दे प्रति सानू गुस्सा देखने नू मिल रहा है, दूसरे ही पासे इस मसले का जो हल है वो कढ़न दे लई मीटिंगा का सिलसिला भी जारी है और कल भी देर रात मीटिंग जो है वो की जाती है और इस मीटिंग दे विच फिलहाल एक प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रियों के वलों पेश किया जाता है जिदे विच चार फसलों के उत्ते पांच साल के लिए MSP देन की गल आखी गई है और इस प्रस्ताव तो बाद किसान आगुआ ने दो दिन का समा लिया है ताकि बाकी किसान लीडर के नाल गलबात की जाए और इस मसले नू विचारिया जाए, उस तो बाद ही अगे की रणनीति उलीकी जाएगी। तो इस मामले नू लेके CM भगवंत मान उन्हां दी प्रतिक्रिया भी सामने आई है क्योंकि CM भगवंत मान भी इस मीटिंग का हिस्सा बने ने। उन्होंने जिथे किसानां ते सरकार दी इस मीटिंग दे अंदर की कुछ होया वापरिया, किहो जिहियां स्थितियां बनिया, उस उत्ते जानकारी सांझी कीती ते नाल ही किसानां नू अतवादी कहण वाले लोकां नू भी जवाब दिता है कि कुछ क्या, आओ सुनदे आं। फिर एक बार पहला वांगू काफ़ी लंबी चर्चा हुई, लगभग 5 घंटे 8 बजे के नेड़े तेड़े मीटिंग शुरू हुई सी, 1 बज गया रात का, तो काफ़ी विचार वटांदरे आपस च होए माहौल, क्योंकि मैं तो एक पंजाब दे प्रतिनिधि तौर पर उत्थे बैठदा और मैं जो कोई प्रपोजल इदा की होंगी है जिदा पंजाब नूं फायदा होंदा होवे तां मैं उहदे बारे भी गलबात करदा। तुहानूं याद होगा इसे जगह ते 8 फरवरी नूं जदों आके मैं मीडिया ब्रीफ कीता सी तां मैं तुहानूं दस्सिया सी कि मैं एक मुद्दा उठाया उत्थे कि साडा देश जो है मोजम्बीक तों ते कोलंबिया तों $2 बिलियन की कीमत दियां दालां जिहड़ियां ने वह मंगवाउंदा है, इंपोर्ट करदा भारत देश कोलंबिया तो मोजम्बीक तो $2 बिलियन दियां। मैं उस दिन खेती मंत्री साहब नूं और दूजे मंत्रियों नूं कहा सी कि असी झोने की तुसी डाइवर्सीफिकेशन की गल करते हो, जे सानू झोने दे नाल नाल जिहड़ी फसल असी झोने की जगह ते बीजांगे जे उहदे ते सानू MSP की गरंटी दे दो तां असी तुहानू दालां पैदा करके दे सकते हैं। हिस्टरी अपने आप नू रिपीट करूगी, जदों अपना देश कणक दे मामले च एक बारी जिहड़ा विदेशां ते डिपेंडेंट सी, अमरीका ने कणक देण तों ना करती सी तां फिर इत्थे हरी क्रांति आई सी, हरी क्रांति ने पूरे देश दे अनाज दे भंडार जिहड़े भरते, जो पंजाब ने लीड की सी क्रांति, हालांकि वह हरी क्रांति का खमियाजा सानू अज भुगतना पै रहा कि साडा पानी जिहड़ा बहुत ज्यादा वाटर लैवल थले चला गया। सो मैं कहा सी कि दाणा सानू दिओ कि दाणा ने साडी इन्नी उपजाऊ धरती है कि असीं तुहानू पैदा करके देवांगे पर उहदे ते सानू MSP की गरंटी होनी चाहिए, एक एक दाणा चक्कण की भी गरंटी होनी चाहिए। अज उस विषय से भी गल हुई, हुण किसान भी आके अपनी गल दसणगे, मंत्री साहब दस के गए होने, ते फिर नरमा ते कपाह, कोई जमाना सी जदों संगरूर दा इलाका, बरनाले दा इलाका, मानसा, बठिंडा, फाजिलका, इधर अरनी आला, पन्नी आला, जलालाबाद, अबोहर तक साडा उन्हूं कॉटन बैल्ट कहिंदे सी, नरमा ते कपाह हुंदी सी, पर वह भी सारा हुण लगभग झोने च चला गया क्योंकि फसलां रुल गईआं तां विश्वास उठ गया किसानां दा, कदे चिट्टी मक्खी ने खा लिया, कदे गुलाबी सुंडी ने खा लिया, तां उन्हां दा विश्वास उठ गया फसल तों, तां उह विश्वास बहाल करन वास्ते भी गरंटी चाहीदी है खरीद दी, नरमे ते कपाह दी वी। सो नाल नाल अजकल मक्की जिहड़ी है वह एथेनॉल बनन लग गया, होर कई जगह ते मक्की दी जिहड़ी जरूरत पैण लग गई, 8 प्लांट तां पंजाब कोले भी हैगे ने एथेनॉल दे, पर
वो तां बीजी जाऊगी जे सानू एमएसपी की गरंटी मिलेगी। मैं एग्जाम्पल दिती उन्होंने, जे किसी जिमीदार को 10 किले ने, जो उन्होंने आप कह दिए कि 6 किले तू झोना ला ला, 10 की बजाय 6 किले ला ला, 4 मक्की बीज ला जा दाला ला ला, दाला बीज ला, तो बीज लूगा विश्वास से। पर जदों फसल आजूगी तो जिन्ने पैसे जिन्ना प्रॉफिट उन्होंने 6 किलिया की जीरी वेच के, जिन्हों धान भी कह दें, राइस कह लो, मुंजी कह देंगे, जिन्ना झोने की फसल वेच के उन्हों प्रॉफिट होंगे, उन्ने ही उन्होंने बाकी 4 किलिया च भावें दालों चो भावें मक्की चो, उन्ने ही उन्होंने 4 किलिया चो होना चाहिए, नहीं वो वापस अगले साल फिर 10 दे 10 किलिया झोना लाऊगा। सो क्रॉप डाइवर्सीफिकेशन जे लागू करनी है तो पहला गरंटी देनी पेगी। सो इस तरह का एक प्रस्ताव अज आया जिस नफाड जी एजेंसी है सेंटर की, जड़ा कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया, एक मक्की खरीदने वाली इन्ह की जी एजेंसी है सरकारी है, पीयूष जी, पीयूष गोयल जी के महकमे च आ, भी वह सानू गरंटी दे देन, लिखती एग्रीमेंट होगा लीगल जिन्हों चैलेंज किया जा सकूगा कि असी इन्ने साल वास्ते, वो तो 2 साल कहते सी, मैं कहा जी नहीं 5 साल तो करो ना, कोई ए पता तो लगे ना कि 5 साल एग्रीमेंट है। तो देखो सरकारां बदल सकदियां ने 5 साल च, पर एजेंसी तो सेम रहेगी ना, नफाड़ नहीं बदलती ना। सो जे इस तरह का कोई मैकेनिज्म बन जाए कि सानू, देखो झोना तो कणक तो जी है वह तो पहली जी ले जा रही है MSP से, जे आ 6-7 फसल होर ऐड हो जाए जो पंजाब दी फसल ने, पंजाब इन्हों बहुत आसानी नाल पंजाब की धरती इन्हों मनती है, मनती है मीनस पंजाब की धरती उगा सकती है, तो यह प्रपोजल तो किसान, मैं तो एक वकील के तौर पर बैठा सी, फैसला तो उन्होंने लेना जी, तो किसान जथेबंदियों ने कहा कि असी इत्थे फैसला लैण दे अभी हजे समर्थ नहीं है, असी जाके डिस्कस कर लैने अपने साथियों नाल, उस तो बाद तुहानू दस दांगे। तो फिर मंत्री साहब ने भी यही कहा सेंटर वाले ने कि असी भी डिस्कस कर लैने उत्थे भी फाइनांस का किन्ना क बर्डन पऊगा, जां फिर इहदे नाल, क्योंकि जे कानून लागू होगा तो सारे देश से होगा, यह नहीं है कि एक कल पंजाब लई जां हरियाणे लई कानून बन जूगा, सारे देश वास्ते कानून बनूगा, तो बाकी स्टेटा भी यदा फायदा होगा। सो फैसला उन्होंने करना है। मैं एक पंजाब के मुख्यमंत्री होने के नाते, मैं अपने किसानों के वकील होने के नाते मैं बैठा, 4th मीटिंग है, खुला टाइम है, जिन्ने बजे मर्जी वो कह 2 घंटे लवेंगे सानू डिस्कस कर लैन, 2-5 घंटे लवेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ एक गल मैं बेनती करूँगा कि शांति बना के रखनी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि साढ़े नौजवान या साडे किसान जिहड़े उत्थे बैठे ने, ठंड है, कल नूं मींह दे गड़ियां दा संभावना प्रगट की गई है, एक 2 किसान शहीद हो गए ने ऑलरेडी, एक अज समाणे दे नेड़े जिहड़ा मौत हुई है, एक ज्ञान सिंह जिहड़े चाचौकी पिंड दे गुरदासपुर जिले दे, उन्हां दी जिहड़ी मौत हुई है। सो मैं नहीं चाहता कि कोई जानी नुकसान होवे, एक दूजे नाल भिड़िए जे गलबात नाल, क्योंकि आफ्टर ऑल तो जिथे भी मर्जी जावांगे होगी तो गलबात राही, पर मैं पॉजिटिव एटीट्यूड नाल चल रहा, तो मैं अपना फर्ज निभा रहा कि चाहे अद्धी रात हो जाए चाहे दुपहरे बुला लैन, मैं अपने पंजाब के लोगों के नाल खड़ा, मैं पंजाब के किसानों के नाल खड़ा। पर हाँ नाल नाल मैं भी बेनती करदा कि 3.5 करोड़ लोग पंजाबी ने, उन्हां दे किसी पेपर चल रहे ने, असीं उन्हां नूं फिर कहा कि तुसीं साडा क्यों इंटरनेट बंद करी जांदे हो, फिर वह कहिंदे ने असीं 5 जिलों च इंटरनेट बंद करांगे आ करांगे, तो सानू जिहड़ी है तंग ना करो, किसान यूनियन ने बड़े अच्छे तरीके नाल जिहड़े आवाज़ इस गल दी दिंदा कि उन्होंने कोई पहल नहीं की किसी पक्ष तों कि कोई इस तरह का इल्जाम लग जाए कि यह हिंसक हो गए या हमलावर हो गए या कोई होर बिच कोई शरारती अंसर होगा, एक अद्धा वो चलो आप ही वो देख लेंगे उत्थे। सो पंजाब दे
लोगों के जान की माल की पंजाब की आर्थिकता की राखी करना भी मेरा फर्ज है। सो इस करके अगे हुण किसान यूनियन तुहानूं दस देणगे आके कि वह की फैसला लेंदे ने कल तक, तो उस बाद फिर जे गल करनी पई तो फिर दोबारे गल करनी। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, कोई दरवाजा बंद नहीं होया, ये तो हजे शुरुआत है। जे इन्हां ते मन लेंदे ने तो अगलियां जिहड़ियां फसलां ने जां कोई होर फसलां जिहड़ियां उगदियां ने उन्हां बारे भी आपां जिहड़ा दरवाजा जिहड़ा खुला रख सकदे आ। नरमा कपाह हो गई जी, नहीं नहीं जेड़ा जेड़ा जिवें हुण मक्की ते जो NSCP दी मेरे ख्याल जिहड़ी हैगी है ना जिहड़ी गरंटी जिहड़ी MSP दिंदी है कंपनी उस फार्मूले दे आधार ते कि फसलां नरमा ते कपाह जी जो बिल्कुल बहुत घट गया जी, क्योंकि चिट्टी सुंडी ते गुलाबी सुंडी ने उन्हां ने खत्म करता विश्वास। सो नरमा कपाह नूं वापस लैके आ सकदे आ जे कॉटन जिहड़ी है कारपोरेशन ऑफ इंडिया 100% एक एक फुट नरमे का कपाह का एक एक फुट जो है MSP ते। फिर मक्की है, मक्की क्योंकि अजकल एथेनॉल वगैरह बन लग गया तो मक्की वास्ते प्राइवेट सैक्टर भी आऊगा, उन्होंने बहुत ज्यादा चाहिए मक्की। मक्की का भी जे सानू भाव मिलने लग जाए तो असी झोने तो साडा जिहड़ा क्रॉप डाइवर्सीफिकेशन दे विच असी झोने तो थोड़ा जा हट सकते हैं। फिर दालां ने जिवें अरहर है, मां दी दाल है, मसूर है, मतलब जे ये दालां जिहड़ियां कि असीं बाहरों मंगाने वह देश का भी फायदा होगा कि बाहरों नहीं मंगाना पेगा, तो साडे किसान का भी फायदा होगा कि पानी भी बचूगा साडा, क्योंकि घट पानी लेंदियां ने यह फसलां, तो जिहड़ा साडा 600-700 फुट ते चला गया पानी वह भी बचूगा, तो नाल किसान नूं क्योंकि 8,000-7,000 तो उपर इन्हां दी प्राइस है, जे सानू लिखत गरंटी मिल जाती है असीं इह बीजीए तो चक्कण चाहे जिवें मर्जी चक्कण, तो फिर जिहड़ा उह सर्कल जिहड़ा होर फसलां दा जिहड़ा असीं लैके आउणा चाहुंदे हां कि जे झोने तो जे पराली तो तुसीं सानू एक कहने हो कि झोने तो पराली हुंदी है, बाद च तुसीं कहने हो सानू परचे करो इन्हां नूं रैड एंट्रियां च पाओ, झोना किसान भी कहिंदा कि झोने तो साडा खेड़ा छड़ा दो पर उहदे बदले असीं बीजीए की तो उहदा मंडीकरण की होगा। सो मंडियां हैगियां ने, मंडियां कोई प्रॉब्लम नहीं, हर 4 किलोमीटर दे रेडियस च मंडी है, पर जे MSP दी गरंटी होगी लिखती उस MSP नूं कोर्ट दे विच भी चैलेंज किया जा सकता होया लीगल होगी तो यह मतलब असीं होर फसलां वल जा सकते हां, ते पर यह फैसला किसान जथेबंदियां ने करना है कि वह कल नूं जाके ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਫਸਰ ਸਹਿਬਾਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ ਜੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। देखो जी गल देखो जो लिखती दे जो लिख के दे रहे 5 साल वास्ते तो फिर गारंटी होगी, तो इस करके अगे अगे जे कोई कोई होर मैकेनिज्म ऐड करना पिया क्योंकि हो सकता है किसानां कोले जाके जो जो किसान जथेबंदियां आपदे उत्थे जाके गल करनगे हो सकता कोई होर वधिया आइडिया एक निकल आवे कि इहदी थां ते आ कर लो आपां नूं ज्यादा फायदेमंद है। मैनू सिर्फ इक्को ही है कि पंजाब दे किसान दा हरियाणा दे किसान दा देश दे किसान दा नुकसान ना होवे, जो मर्जी एग्रीमेंट होवे उहनूं बैठ के क्योंकि मैं इत्थे तां बना नहीं सकदा, इह च भी असीं किसान भी जिहड़े ने उह भी असीं जिहड़े अर्थशास्त्री ने उहनां तों उह भी किसान भी राय लैण ते सरकार भी अपने जिन्ने भी इकोनोमिस्ट ने उहनां नूं पुछे कि इहदा किन्ना खर्चा होऊगा किन्नी क देर लई दे सकदे आ की कर सकदे आ। सो इस करके बाकी जिहड़ा गल्लबात दा दौर है वह जारी रहेगा, पर मेरा प्रायोरिटी इक है पंजाब दे मुख्यमंत्री होने के नाते पंजाब दे जान माल दी पंजाब दे जिहड़े लोकां दी जान माल दी राखी शांति बना के रखने की मैं अपील करदा। जदों ही कोई फैसला किसानों वालों आ गया जां सेंटर ने सानू कॉन्टैक्ट किया कि असीं आ कर सकते हां
ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਅਗਾਹ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟਸ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।